हेलो ब्यूटीफुल एंड पावरफुल लेडीज, कैसी हैं आप? बॉडी जितनी फिट रहेगी आप उतने ही यंग दिखेंगे। बट आजकल के समय में लोग गलत लाइफ स्टाइल अपना लेते हैं और गलत लाइफ स्टाइल अपनाने की वजह से वो कम समय में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है, स्किन में झाइयां रिंकल्स आने लगती हैं, स्किन डल होने लगती है और पूरी तरीके से निखार चल जाता है। तो वो गलत लाइफ स्टाइल क्या है जिन्हें आपको नहीं अपनाना चाहिए और अच्छी लाइफ स्टाइल आपको अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करना चाहिए जिससे कि आप यंग दिखें। तो वो अच्छे लाइफ स्टाइल क्या है आइए बताते हैं। डोंट मिस 10 मिनट्स को स्टार्ट। सो नंबर 1, वर्कआउट करना। हर व्यक्ति को यंग दिखने के लिए वर्कआउट जरूर करना चाहिए। वर्कआउट करने से बॉडी फिट रहती है और पूरी बॉडी में दिन भर एक एनर्जेटिक फील करते हैं। ये मैंने खुद फील किया है। जब भी मैं मॉर्निंग में रनिंग करने गई हूँ या वॉक करने गई हूँ तो मैं दिन भर एनर्जेटिक फील करती हूँ और खूब उस दिन मैं काम कर लेती हूँ डेली के कंपेरेटिवली। और जिस दिन मैं नहीं जाती हूँ उस दिन बहुत ज़्यादा मेरे को आलस आता है, एक नींद हमेशा रहती है और लगता है कि बस कुछ ना करें सो जाए। तो वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है फिट रहने के लिए, यंग दिखने के लिए। तो अपने लाइफ स्टाइल में वर्कआउट जरूर करें। वॉकिंग है, रनिंग है, स्कीपिंग है, साइकिलिंग है या घर में ही कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज है, योगा है, वो आप जरूर अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करें जिससे आप फिट रहेंगे और यंग दिखेंगे। नंबर 2, पानी पिए। जी हाँ, भरपूर मात्रा में पानी पिए। वैसे भी अपने बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा है, 60% अपनी बॉडी में पानी की मात्रा है। तो आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी जरूर पिए। जब पानी पिए रहेंगे तो बॉडी हाइड्रेट रहेगी जिससे आप यंग दिखेंगे और आपकी स्किन में हमेशा चमक रहेगी, निखार आएगा। तो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। और पानी पीना भी एक उसमें यह है कि जैसे अगर आपका 20 किलो का वेट है, 20 किलो का वजन है तो आप 1 लीटर पानी पिए, और अगर आपका 70 किलो वजन है तो आप 3.4 लीटर पानी पिए, अगर आपका 80 किलो वजन है तो आप 4 लीटर पानी पिए। तो आप उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे आपका 20 किलो वजन है तो आप 1 लीटर पानी पिए, तो उस हिसाब से आप बढ़ाते जाइए कि आपका जितना वेट है आपको उतना ही पानी पीना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने में वो भी नुकसान करता है। तो लेकिन पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करते रहिए और दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। वो बॉडी को हाइड्रेट रखता है, स्किन में ग्लो आती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी आपको भरपूर मिलती रहती है। नंबर 3, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन एक दिमाग की दवा है, कुंजी है। मस्तिष्क से मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो अपने डेली लाइफ स्टाइल में मेडिटेशन जरूर शामिल करिए। अगर हमारा आपका मस्तिष्क अच्छा रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा, तो हमारी बॉडी भी फ्रेश रहेगी, क्योंकि माइंड ही हर चीज़ को कंट्रोल करती है, सारा खेल दिमाग का ही होता है। तो दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, अल्कोहल से दूरी बनाकर रखें। अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी में निखार रहें, स्किन में ग्लो रहें, एक फ्रेश और यंग दिखें, तो अल्कोहल से दूरी बनाकर रखें। आजकल लोग स्टैंडर्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से अपने लाइफस्टाइल में अल्कोहल एक जूस की तरह लेने लगे हैं और डेली वो उसका कुछ ना कुछ पार्ट लेते रहते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इससे आप समय से पहले बूढ़े दिखने लगेंगे। तो कोशिश यही करिए, अगर आप यंग दिखना चाहते हैं, समय से कहते हैं कम एज का दिखना चाहते हैं, अगर आप आपकी एज ज़्यादा है तो उससे आप 10 साल छोटे दिखना चाहते हैं, तो अल्कोहल से दूरी बना के रखें। अल्कोहल को हाथ मत लगाइए, उससे अच्छा है आप जूस, फ्रेश जूस या फ्रूट्स का सेवन करें, वो ज़्यादा बेटर है। नंबर 5, अच्छी नींद लें। भरपूर मात्रा में अच्छी नींद लें, इट मीन्स 8 घंटे की नींद आपकी होनी ही चाहिए। तो 7 से 8 घंटे आप सोइए, भरपूर नींद लेंगे तो भी आपको एक हमेशा कहते नहीं एक फिटनेस आपको दिखेगी, क्योंकि आपने नींद पूरी मात्रा में भरपूर मात्रा में ली है, तो जिससे आप यंग फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे और जल्द से जल्द अपने हर चीज़ हर काम को निपटाने की कोशिश करेंगे और आपकी स्किन में भी किसी तरीके की कोई डलनेस नहीं आएगी, ना ही आपके फेस में कालकेरे होंगे, ना ही रिंकल्स होंगे। तो यंग दिखने के लिए बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि नींद को पूरी लीजिए, 7 से 8 घंटे भरपूर मात्रा में सोइए और नेक्स्ट डे अपनी मॉर्निंग, अपना पूरा दिन अच्छा लगे। नंबर 6, सही डाइट लें। इट मीन्स टाइम से खाना खाइए और एक अच्छी डाइट लीजिए। जैसे ब्रेकफास्ट, बहुत जगह मैंने देखा है ब्रेकफास्ट लोग स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट लंच लेते हैं, तो वो गलत चीज़ है। ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, ब्रेकफास्ट पेट भर खाना चाहिए और उबला नाश्ता लें, पोहा है, उपमा है, इस टाइप का उबला नाश्ता लें, डीप फ्राई ब्रेकफास्ट से दूरी बना के रखें। और उसके बाद लंच और डिनर में हरी सब्जी है, कर्ड है, मिल्क है, फ्रूट्स है, इन सब चीज़ों को शामिल करें। तो एक अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है यंग दिखने के लिए।
नंबर 7 जंक फूड से दूरी बना के रखें। जंक फूड भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। आजकल के समय में बिजी लाइफ स्टाइल के चलते लोग जंक फूड को बहुत ज्यादा अपनाने लगे हैं और वो खाने लगे हैं। कुछ नहीं, उनको लगता है कि फटाफट से जंक फूड ऑर्डर कर लो और खा लो और उसके बाद आप अपना जो भी काम करना है करो, बट उससे आपका शरीर पूरी तरह खराब हो जाएगा, समय से पहले आप बूढ़े दिखने लगेंगे, क्योंकि जंक फूड हमेशा नुकसान करता है बॉडी। तो अगर आप चाहते हैं कि यंग दिखे, समय से 10 साल छोटी दिखे, तो हमेशा यंग घर का बना हुआ फूड, हेल्दी फूड लीजिए, जंक फूड से दूरी बना के रखिए। और अगर आपको खाना ही है, मन है, इंसान है, लगता है कभी कभार तो कुछ चेंज चाहिए, तो 10 दिन में एक बार जंक फूड ले लीजिए, बट डेली इसको अपनी लाइफ स्टाइल में मत फॉलो करिए। अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, यंग दिखने के लिए एक अच्छी हेल्दी फूड ही, इट मीन्स घर का बना हुआ खाना, वही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जंक फूड से दूरी बनाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए। सो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जितने भी नए व्यूवर्स आए हैं वो भी लाइक और सब्सक्राइब करें। और जल्दी जल्दी से आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपके पास इसी तरह मैं अच्छे से अच्छे और नॉलेज से भरपूर वीडियो लाती रहूँगी। नेक्स्ट मैं आपके सामने फिर से शामिल होंगी। आज मैं बाय करती हूँ।